भाजपा के नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान को लेकर कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया, पर पुलिस की घेराबंदी के बाद कुछ एक गलियों से पथराव हो रहा है। खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर हैं। मुस्लिम अधिसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में कारोबार पूरी तरह से आज बंद रखा गया था और पुलिस सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। इसके बाद यतीम खाना स्थित सद्भावना चौकी के पास दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। भीड़ जुटने पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। लोग तंग गलियों में घुसकर पत्थरबाजी करने लगे। जौहर फैंस एसोसिएशन व अन्य मुस्लिम तंजीमों ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय से कारोबार बंद रखने की अपील की थी। इसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही चमनगंज, बेगनगंज, तलाक महल, कर्नलगंज, हीरामन पुरवा, दलीलपुरवा, मिस्टन रोड, बाबूपुरवा, रावतपुरवा, जाजमऊ में कहीं आंशिक तो कहीं पूर्णबंदी दिखाई दी। जुमे की नमाज के दौरान ज़्यादातर मस्जिदों में हुई तकरारों में कहा गया है कि वे मोहम्मद साहब पर की गई किसी भी अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने किसी भी क्षेत्र में लोगों को नमाज के बाद प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।